हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीबीपी हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी एंड कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट एंड किनलमेंट रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। दो प्रकार के रिक्रूटमेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी और दूसरा कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट एंड किनलमेंट का है। तो आपको बता दें दोनों के रिगार्डिंग अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर रहेंगे, दोनों के रिगार्डिंग क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाले हैं, एज लिमिट क्या रहने वाले हैं, दोनों के रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, तमाम जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो पर बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोज़ को बात कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियोज़ के आगे और आगे की ओर, और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। सभी लोग यहाँ पे देख होंगे, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर अगर फॉर्म के बारे में देखेंगे तो ये जो आपका कह सकते हैं कि एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो मेल फीमेल दोनों को रिगार्डिंग है यहाँ पे, और इंक्लूडिंग सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड भूटान, ठीक है। तो वो वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा आपका जो ग्रुप सी का ये फॉर्म निकाला गया है, ग्रुप सी पोस्ट का है, यानी नॉन गोस्टेड ऑफिसर पोस्ट का है नॉन मिनिस्ट्रियल में, और ये फॉर्म जो है आपका 12 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। तो आपका 12 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और 10 सितंबर तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म नहीं भरेंगे वो इस फॉर्म को जरूर भरेंगे, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे आपका जो वैकेंसी है वो अलग अलग पोस्ट मेल फीमेल के रिगार्डिंग कैटेगरी वाइज यहाँ पर चेक कर पाएंगे, और जो भी आप जैसे कांस्टेबल के रिगार्डिंग आप भरना चाहेंगे और मेल के रिगार्डिंग है तो यहाँ पे देख सकते हैं, और कांस्टेबल आपका फीमेल के रिगार्डिंग एनिमल ट्रांसपोर्ट में तो यहाँ से देख सकते हैं, और आपका जो किनलमैन है वो मेल के रिगार्डिंग है सिर्फ, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे आपके एज लिमिट के बारे में। आपका जो एज लिमिट है हेड कांस्टेबल के लिए रिगार्डिंग 18 से 27 ईयर के बीच में है, और कांस्टेबल का रिगार्डिंग जो है आपका वो 18 से 25 ईयर के बीच में, ठीक है। ये आपका पहला जो है हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी एंड कांस्टेबल किनलमैन के रिगार्डिंग है, और दूसरा वाला जो है वो कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बात करेंगे तो हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी के रिगार्डिंग क्लास 12th आपका सिंपल पास होना चाहिए, और द कैंडिडेट शुड हैव बी पास रेगुलर पैरा वेटनरी, और आपके इसके साथ साथ आपके पैरा वेटनरी कोर्स भी किए हुए होना चाहिए, और डिप्लोमा या फिर देखिए, और कहने का मतलब होता है पैरा वेटनरी कोर्स होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन का रिलेटेड टू वेटनरी और थेरेपेटिक और लाइव स्टॉक मैनेजमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट। यानी कहने का मतलब आपको किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपको ये थेरेपिस्ट का और या फिर लाइव स्टॉक मैनेजमेंट का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इनमें से कोई भी आपके पास रहेगा तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट का और कांस्टेबल किनलमैन का सीधे मैट्रिक पास होना चाहिए, 10 का आपके पास सर्टिफिकेट है क्लास 10th का, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल समझिए, पहले का क्लास 12th का डिग्री होना चाहिए या फिर आपके पास वेटनरी का पैरा वेटनरी का सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट का कट ऑफ आप यहाँ से देख पाएंगे, आपका जो भी एज लिमिट है वो पर्टिकुलर डेट के बीच में होना चाहिए, और आप ऐसे समझेंगे तो सिंपल समझिएगा, आपका जो एज है वो आपका 11 सितंबर 1997 से लेकर 10 सितंबर 2006 के बीच में होना चाहिए। 11 सितंबर 1997 से पहले का नहीं होना चाहिए और ना ही 10 सितंबर 2007 के बाद का, ठीक है। और ये दोनों डेट के अगर आप टैली भी करते हैं डेट ऑफ बर्थ तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। सॉरी, कांस्टेबल एनुअल ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो इनका भी 11 सितंबर 1999 से लेकर 10 सितंबर 2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो बता दें कि जो आपके एज रिलेक्सेशन मिलते हैं सभी गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे, जैसे कि एसटीसी के 5 ईयर का रिलेक्सेशन, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के 3 ईयर का रिलेक्सेशन, और एक सर्विसमैन के रिगार्डिंग अलग अलग प्रकार के रिजर्वेशन है जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग, आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो कैसे रहने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे विभिन्न प्रकार के अलग अलग स्टेजों में आपके सिलेक्शन होंगे। पहला स्टेज जो होगा आपका वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे कि हम पीईटी के नाम से जानते हैं। इसमें आपका मेल जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा 7.5 मिनट के अंदर, 11 फीट का लॉन्ग जंप होगा, 3 चांस आपको गिवन होंगे यानी 3 चांस दिए जाएंगे, और 3.5 फीट का आपका हाई जंप होगा जिसमें भी आपको सिर्फ 3 चांस ही दिए जाएंगे। फॉर फीमेल कैंडिडेट के रिगार्डिंग आपका 800 मीटर का रेस होगा, जिसमें कि 4.5 मिनट में आपको 4.45 मिनट में आपको दौड़ना पड़ेगा, यानी 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर। 9 फीट के लॉन्ग जंप होंगे, 3 चांस इसमें भी दिए जाएंगे, और 3 फीट के हाई जंप होंगे जो कि 3 चांस इसमें भी दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है पीईटी का पीएचटी का, इसमें आपको सिंपल कैंडिडेट बता दें आपको कि आपको क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यदि आप पास है तो पास है, फेल है तो फेल है। इसको होने के बाद आपके पीएचटी होंगे, पीएचटी में आपका चेस्ट नापा जाएगा और आपके हाइट नापे जाएंगे, वो कैसे नापे जाएंगे समझ लीजिएगा। चलिए आगे बता देते हैं थोड़ा आपको, यहाँ पे देखिए यहाँ दर्शाए गए हैं यहाँ पे कि आपके जो हाइट होंगे वो किस प्रकार से होंगे। तो पहला फॉर कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी एंड कांस्टेबल किनलमैन के रिगार्डिंग हाइट जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं, सभी स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज के रिगार्डिंग मेल का 170, फीमेल का 157, और चेस्ट 80 और एक्सपेंडेड में 85, ठीक है। उसी प्रकार से सभी अपने अपने स्टेट वाइज देख लेंगे, कुछ कुछ स्टेट्स के अलग अलग होते हैं हाइट और चेस्ट, ठीक है। वो इतना एक एक करके पढ़ के बताएंगे स्टूडेंट्स तो वीडियोज़ लंबा होगा, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट जो हमारा वो आपका कांस्टेबल एनुअल ट्रांसपोर्ट का बच जाता है, तो उसके रिगार्डिंग भी सेम टू सेम है, 157 मेल का है और फीमेल का 57 है, अनएक्सपेंडेड 80 है और एक्सपेंडेड 85 है, अदर स्टेट वाले यहाँ पे देख पाएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। और आई साइट आपका यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, आई साइट आपको यहाँ पे क्लियर आई साइट विजन होना चाहिए, कोई आपका ख़राब आई साइट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। सिंपल यानी कहने का मतलब है बेटर जो आई आपका है वो 6x6 का होना चाहिए और वर्स्ट आई आपका 6x9 का होना चाहिए। यदि 6x9 से ज़्यादा वर्स्ट है आपका, इससे ज़्यादा ख़राब है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और बेटर 6x6 है तो बहुत ही बेटर है, क्योंकि उसके लिए तो आपको हाँ तो क्या बात करते हैं, 6x6 आई है तो बहुत ही बेटर आई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये स्टेज होने के कंप्लीट होने के बाद, आपका PSET कंप्लीट हो जाने के बाद स्टूडेंट्स आपके रिटर्न एग्जामिनेशन के बुलाए जाएंगे, जिसे कि हम फेज 2 के नाम से जानते हैं। ये रिटर्न एग्जामिनेशन आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है, इसमें कि अलग अलग आपके जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग अलग अलग रहने वाले हैं। जैसे कि समझिएगा, आपका पहला पोस्ट आपका हेड कॉन्स्टेबल ड्रेसर वेटनरी का, जिसके रिगार्डिंग जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और वेटनरी मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपके प्रश्न होंगे। और टोटल आपके प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे 80 हो गए यहाँ पे और 20 ऊपर हो गए, तो टोटल 100 प्रश्न होंगे। 2 घंटे का समय होगा आपका, ठीक है, पेपर होगा। नेक्स्ट है कॉन्स्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट का, इसके रिगार्डिंग जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप बायलिंगुअल प्रश्न होंगे 25 क्वेश्चन के, और जनरल नॉलेज एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, एनालिटिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन और बेसिक नॉलेज के 25 क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट इन इंग्लिश और हिंदी के, ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 2 आवर का समय यहाँ भी देंगे। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टेबल किनेलमेंट का, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग, जनरल हिंदी, आपका इंग्लिश और हिंदी और डॉग हैंडलिंग और किनेल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आपका 100 प्रश्न होंगे टोटल 2 घंटे का। यहाँ पे 3 अलग अलग पोस्ट है और तीनों के रिगार्डिंग हमने आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या क्या सब्जेक्ट, किन किन सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहाँ पे दर्शा दिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यदि आपको कोई डाउट होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछिएगा। फेज 3 में आपका क्या होगा, मेरिट निकाला जाएगा और उस मेरिट के आधार पर क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका सिलेक्शन होगा। और फेज 4 में यहाँ पे वेरीफिकेशन होगा आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का। और नेक्स्ट आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे जाकर खत्म होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, इन सभी प्रकार चारों प्रोसेस के थ्रू आप गुजरेंगे तब। और कोई भी इसके अलावा कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछकर आप अपने डाउट को क्लियर कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, आपके जो सैलरी होंगे वो कैसे रहने वाले हैं। हेड कॉन्स्टेबल जो कि ड्रेसर वेटनरी के होंगे, उनके लेवल 4 का सैलरी होगा। और आपके कॉन्स्टेबल एनुअल ट्रांसपोर्ट के और कॉन्स्टेबल किनेलमेंट के रिगार्डिंग लेवल 3 का सैलरी होगा। लेवल 4 के सैलरी में स्टूडेंट्स आपको बता दें कि 25,500 आपका बेसिक पे होता है और प्लस इसमें अदर अलाउंसेस मिलते हैं। ये अदर अलाउंसेस आपके जैसे डीएनएस अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, ठीक है, ये तमाम प्रकार के अलाउंसेस मिलेंगे, जो कि आपका स्टार्टिंग का जो इनहेंस सैलरी रहने वाला है स्टूडेंट्स वो आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि 40 से लेकर आपका 50 के बीच में रहेगा। ठीक है, ये स्टार्टिंग का सैलरी होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका सैलरी जो है वो बिल्कुल बेसिक पे से है, इस कारण से आपका स्टार्टिंग का सैलरी कम रहने वाला है थोड़ा सा। लेकिन जैसे ही आपके आगे जाएंगे तो मैक्सिमम सैलरी 81,000 तक जाता है और 81,000 के बाद आपको अदर अलाउंसेस मिलती है, तो आपका सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख प्लस आपके इसके बीच में आपका हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो बहुत समय के बाद आपके लास्ट टाइम में। और इसके बीच में अगर आपको यहाँ पे कोई प्रमोशन मिलता है तो फिर से आपका लेवल बढ़ जाएगा और सैलरी का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो है वो कॉन्स्टेबल के रिगार्डिंग, जिसमें लेवल 3 का सैलरी है, जो कि आपका 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में, इसका 21,700 बेसिक पे है और अदर अलाउंसेस मिलकर आपका स्टार्टिंग का सैलरी रहेगा वो 35 से लेकर आपका 45 प्लस के बीच में आपका रहने वाला है। ठीक है, इसी के बीच में आपका सैलरी रहेगा, इनहैंस सैलरी स्टार्टिंग का। तो आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछेगा, वीडियो को हमने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। यदि फिर भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर पूछेगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया गया है, ताकि आपको सारी जानकारी वहाँ पे मिलते रहेंगे, जैसे कि एडमिट कार्ड कब आएंगे, रिजल्ट कब आएंगे, तमाम जानकारी वहाँ पे आपको दी जाती है। तो रखते वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।